हेलो फ्रेंड्स, द नॉलेज टेबल पर आप सभी का स्वागत है। आज के नॉलेज टेबल पर हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष अंग है। आज के इस वीडियो में हम यूनेस्को की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में भारत के 6 महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा जिन 6 महत्वपूर्ण स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है, उनमें शामिल हैं बनारस के गंगा घाट, तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर, महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला, नर्मदा घाट के बेड़ा घाट तथा लेमा घाट, कर्नाटक के हीरे बैंकल महापाषाण स्थल और सतपुड़ा के टाइगर रिजर्व। यूनेस्को द्वारा इन 6 महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को के द्वारा संरक्षित और स्थापित विश्व विरासत स्थलों की संख्या 38 से बढ़कर अब 44 हो गई है। तो दोस्तों, अब जानते हैं यूनेस्को के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह यानी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप्स यानी UNSDG का सदस्य भी है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई। वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का सामना कर रहे 37 यूरोपीय देशों ने यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में कॉन्फ्रेंस ऑफ अलायंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का आयोजन किया और इसी के बाद इस समूह की स्थापना की गई। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और आज इसके विश्व में 25 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। यूनेस्को के सदस्य की बात करें, यूनेस्को के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 है एवं 11 संबद्ध सदस्य हैं। यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल 3 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, जिनमें शामिल हैं कुक द्वीप यानी कुक आइसलैंड, नीओ और फिलिस्तीन, जबकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से 3 देश इजराइल, लिंकस्टीन, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य देश नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा अभी हाल ही में यूनेस्को की सदस्यता को से त्याग दे दिया गया, यानी त्यागपत्र दे दिया गया है। यूनेस्को के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करना और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना इसका लक्ष्य है। अगर इसके वैश्विक लक्ष्य की बात करें तो अफ्रीका में अफ्रीका द्वीप के समूह की स्थापना करना और लैंगिक समानता स्थापित करना इसके वैश्विक लक्ष्यों में से हैं। यूनेस्को को सतत विकास लक्ष्य 4 के माध्यम से वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व सौंपा गया है। इसमें शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और उससे आगे के शैक्षिक विकास को शामिल किया गया है। यूनेस्को के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इनमें शामिल हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अभिसमय 2003, अंतर्जलीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण अभिसमय 2001 और विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण पर अभिसमय 1972। यह यानी अगर हम विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण अभिसमन 1972 की बात करें तो यह अभिसमन उन प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को परिभाषित करता है जिन्हें विरासत सूची में शामिल किया जाना है या जा सकता है। विश्व के 167 देशों में विश्व विरासत स्थलों की संख्या 1150 है और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अब तक 38 विश्व विरासत स्थल थे वर्तमान में, लेकिन 6 स्थलों को 2021 के मई में शामिल किया गया है। अब भारत में शामिल विश्व विरासत स्थलों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। अगर हम पहले 38 की बात करें तो इन 38 स्थलों में से 30 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल को शामिल किया गया है। सबसे पहले जिन स्थल को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था उनमें शामिल हैं आगरा की किला 1983, जो 16वीं सदी में मुगल स्मारक या मुगल साम्राज्य द्वारा स्थापित किया गया था।
इसमें शामिल हैं अजंता की गुफा, इसे भी 1983 में शामिल किया गया था, महाराष्ट्र में है और औरंगाबाद के पास स्थित है। महाराष्ट्र के अजंता गुफा में 29 गुफाएं हैं और सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसका विकास 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा पूर्व बीच हुआ था। इसके अलावा अहमदाबाद 2017 सुल्तान अहमद शाह द्वारा बनाया गया, जिसको भी विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1993 में शामिल किया गया था। जयपुर, जिसे अभी हाल ही 2019 में शामिल किया गया था, जिसे 1727 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। अगर हम भारत के प्राकृतिक स्थलों की बात करें तो इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985, मानस वन्यजीव अभयारण्य, नंदा देवी और फूलों की घाटी, सुंदरवन पश्चिमी घाट, और अगर हम मिश्रित स्थल की बात करें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2011 शामिल है। दोस्तों, विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा, यानी समिति द्वारा चयनित ये सारे चयनित चयन किए जाते हैं, और यही समिति इन स्थलों की देख रेख और यूनेस्को के तत्वावधान में काम करती है। इनका उद्देश्य क्या होता है? विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करना जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल द नॉलेज टेबल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल द नॉलेज टेबल द्वारा ऐसी और अन्य महत्वपूर्ण नॉलेज आप तक पहुंचाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।